अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? से उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक बॉडी लोशन जो कि बहुत अमेजिंग का है, लेकिन कौन सी खुशबू आपको बाय करनी चाहिए, कौन सी नहीं। एक ब्रांड है, वहाँ पर सीज़न एंड सेल लगी हुई थी तो मैंने बाई कर ली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपनी आज की वीडियो की तरफ, और मैं आपको कौन सी खुशबू रेकमेंड करूँगी जो कि मुझे बहुत पसंद आई है, वो भी आप लोगों के साथ। अभी जो आप लोगों के साथ एक पैक मैं शेयर कर रही हूँ वो है बॉडी एंड ब्लास्ट का। ये इंस्टाग्राम का पेज है और इस पेज पे आजकल जो है ना सीज़न एंड सेल लगी हुई है। तो वैसे इनकी एक्चुअल प्राइस जो है ना मुझे फ़िलहाल नहीं याद। ये मैंने बंडल लिया था तीन का, 1080 का था आई थिंक, 1000 और कुछ जो रुपये ना ऊपर थे। अच्छा, इसमें मैंने तीन जो है ना फ्रेगरेंस ली हैं, एक है चेरी पॉप, एक है वाइट चार और पिंक रोज, यानी कि ये तीन का जो है ना बंडल था तीनों खुशबुओं का। अच्छा, सबसे पहले इनके ml की बात कर लेती हूँ, तो ये ईच बॉटल जो है ना आपको 250 ml मिलेगी। सेकंड नंबर पे ये कि ये बॉडी लोशन है, मॉइस्चराइज़र है जो कि आपके बॉडी को बहुत अच्छे से स्मूथ कर देता है। जब हम शावर लेते हैं, तरह तरह के सोप यूज़ करते हैं या रेज़र यूज़ करते हैं, अनवांटेड हेयर रिमूव करते हैं, तो जिस जगह से हम अपने अनवांटेड हेयर रिमूव करते हैं, रेज़र यूज़ करते हैं, वैक्स करते हैं या सोप यूज़ करते हैं, तो उसी जगह से हमारी जो बॉडी है ना वो खुरदरी, ड्राई और अजीब सी पैची हो जाती है। ठीक है, तो बॉडी को भी ज़रूर मॉइस्चराइज करना चाहिए, क्योंकि जब एज वाइज हम बढ़ते हैं ना तो हमारी बॉडी अनइवन और डार्क होने लग जाती है। अच्छा, सबसे पहले इसकी मैं टेक्सचर की बात करूँ ना, तो इसका टेक्सचर नॉन ग्रीसी है। इस तरह का नहीं है कि आपकी बॉडी को ऑयली करेगा या आपकी बॉडी को ग्रीसी और चिपचिप करेगा, बिल्कुल नहीं। बल्कि आप जैसे इसको अपनी बॉडी पे अप्लाई करोगे ना तो ये एकदम आपकी बॉडी में ऑब्जर्व हो जाएगा और बड़ी ही प्यारी सी खुशबू देगा। इसमें जो फर्स्ट फ्रेग्रेंस है ना वो है वाइट चार, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी अगर मैं फ्रेग्रेंस की बात करूँ ना, अच्छी है, लेकिन मुझे ये वाली जो फ्रेग्रेंस है ना इतनी कोई ख़ास नहीं लगी। बड़ी फ्रेग्रेंस है ना वो है पिंक रोज़, ठीक है, पिंक रोज़। और ये भी इसमें से ऐसे खुशबू आती है जैसे गुलाब की होती है ना, इसमें से ऐसी, क्योंकि पिंक रोज़ है, बिल्कुल भी जो है ना आपकी बॉडी को चिपचिप नहीं करता, एकदम आपकी बॉडी में ऑब्जर्व होकर ना आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है। अच्छा, तीसरी जो इसमें थर्ड जो फ्रेग्रेंस है ना वो है चेरी पॉप। ना कि आप ही इसमें से बेस्ट तीनों बॉटल में से जो है ना, यानी कि तीनों फ्रेग्रेंस में से कौन सी जो है ना बेस्ट है, कौन सी अच्छी है जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने के साथ साथ आपकी बॉडी को एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस भी जो है ना दे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी। मुझे बहुत अच्छी लगी है, और ये 1080 का इनका ये तीन बॉटल्स का बंडल है। आप इस जो सेल से है ना फ़ायदा उठा सकते हो, सीज़न एंड सेल है, क्योंकि समर हो या विंटर हो हमारी बॉडी को लोशन की, मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि समर सीज़न है तो हमारी बॉडी को जो है ना मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, पड़ती है। अच्छे से मॉइस्चराइज करो, आपकी बॉडी सारा दिन हाइड्रेट करती है। ठीक है, और बाकी लिंक जो है ना इंस्टाग्राम का लिंक है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से चेकआउट कर लेना। बाकी अगर इसके इंग्रेडिएंट की बात करूँ ना, तो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है एलोवेरा है, जोजोबा ऑयल है और बीज वैक्स है। ठीक है, ये इसके तीन मेन इंग्रेडिएंट हैं। बाकी बहुत अच्छे लोशन है, एकदम आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देते हैं। अभी जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ ना वो यही यूज़ कर रही हूँ, चेरी पॉप। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अलावा मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। तो हमें याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।